गोडविल लर्नर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 12th की बायोलॉजी क्लास में आज हम देखने वाले हैं कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है, जो कि किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया गया था। इसमें क्या होता है, डीएनए की दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है जो कि एंटी पैरेलल यानी के प्रति समांतर एक दूसरे के क्या होती है, प्रति समांतर होती है, यानी कि अगर एक की दिशा 5 से 3 होगी तो दूसरे की दिशा क्या होगी, 3 to 5 prime होगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। जैसे कि यहाँ पे एक की दिशा क्या है, 5 से 3 और दूसरे की क्या है, 3 से 5 होती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के प्रति समांतर। एक जो ये क्या होते हैं कि एक सेंट्रल एक्सिस, ये क्या है, एक केंद्रीय अक्ष है। ठीक है, और ये एक केंद्रीय इस अक्ष के क्या होता है, चारों तरफ कुंडलित रूप में व्यवस्थित होता है। और किस साइड में होता है, क्लॉकवाइज यानी के दक्षिणावर्त रूप से घुमा हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से ये घुमा हुआ है। इसका जो व्यास होता है, ये है क्या व्यास, को होता है 20 एंगस्ट्रॉम। जो इसकी एक चक्कर होता है यानी यहां से और यहां तक अगर देखें तो इस एक चक्कर की लंबाई कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम होगी। और एक चक्र में क्या होगा, एक पूर्ण चक्कर जो होगा इसका, उसमें कितने होते हैं, कम से कम 10 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि पूरी की पूरी क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है और एक चक्कर में कितने होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड। यानी कि जैसे कि 4 यहाँ पे दिख रहे हैं 4 यहाँ पे दिख रहे हो, 2 क्या होंगे, बीच में होंगे, तो ये क्या हुए, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। अब पूरा जो ये चक्र है इसका क्या है, 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई है और एक चक्कर में कितने हैं, 10, तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी क्या होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो जो छोटी खाँच होती है उसको क्या बोलते हैं, लघु खाँच बोलते हैं, और एक ये बड़ी जो गहराई से इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ खाँच बोलते हैं। एक सर्गेव नाम के साइंटिस्ट थे, सर्गेव नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने क्या दिया था, एक नियम दिया था जिसमें क्या होता है, प्यूरी किसके बराबर होते हैं, पिरिमिडीन के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है, एडीनिन प्लस ग्वानिन होते हैं C+T, यानी कि ये इनकी मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। ये क्या था, सर्गेव का नियम था, क्योंकि देख रहे हैं आप A के सामने क्या है, T है और G के सामने क्या है, C है। अगर देखा जाए तो एडीनिन और थायमिन के बीच में 2 बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड A और T के बीच में तो कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, और G और C के बीच में कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो ये डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है जिसमें दोनों पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। और ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं सेंट्रल एक्सिस के क्लॉकवाइज कुंडलित होती है और एक चक्र की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, और एक पूरे चक्र में क्या होते हैं, 10 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच कितनी दूरी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम, और इसका जो व्यास होता है, ये व्यास जो है ये क्या होगा, 20 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होगा। इसी के साथ में एक लाइन और बताई थी कि ये दोनों ही श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती है, प्रति समांतर होने के साथ साथ क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के पूरक भी होती है। ठीक है, पूरक भी होती है। और इसी के साथ में एक पॉइंट और बता भी बताया कि सर्गेव ने क्या नियम दिया था कि प्यूरीन के बराबर क्या होते हैं, पिरिमिडीन होते हैं, यानी कि एडीनिन और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन और थायमिन के बराबर होती है। और इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि एडीनिन की मात्रा बराबर होती है टी के और जी की मात्रा बराबर होती है किसके, सी के। जितने ए होंगे उतने ही थायमिन होगा और जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। ये होता है डीएनए का डबल।
आज की क्लास के लिए इतना ही। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। अब की बार 12th के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका डायग्राम बनाइए, उसके बारे में लिखिए। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा आज की क्लास के लिए। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।